क्लास वेलकम बैक. सो इन दिस वीडियो हम क्या करेंगे, अपना असाइनमेंट सॉल्व करेंगे. सो काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे अपना असाइनमेंट सॉल्व करके सेंड किया है. सो उस असाइनमेंट में क्या रहा कि जो प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस थे वो बहुत कम लोग स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किए हैं, सॉल्व किए हैं. सो हम उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे आज. ओके सो उसके थ्रू आपको शायद फंक्शन का कंसेप्ट भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा. ओके सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं. सो मैं कुछ आंसर्स टाइप नहीं करूँगी, आपको ये वीडियो केयरफुली सुनना है, देन आंसर्स खुद आप लिखेंगे और अपनी फेयर नोटबुक में आप ये असाइनमेंट सॉल्व करेंगे. ओके सो योर फर्स्ट क्वेश्चन इज केयरफुली ऑब्जर्व द कोड एंड गिव द आंसर. मीन्स आप एक आंसर दीजिए, आपका ये एक एमसीक्यू है. ओके क्लास, सो आपका दिया हुआ है यहाँ पे डेव फंक्शन, ये आपका फंक्शन दिया हुआ है. ओके यहाँ पे देन आपके कॉलन के बाद ए इक्वल्स टू ए प्लस वन है. ओके जो और देन मेरा ए इंटू टू है. ओके देन फंक्शन वन को कॉल किया है जिसमें उन्होंने एक स्ट्रिंग पास की है हेलो नेम से. सो वन इज एन एरर, इंडेंटेशन एरर. ओके सेकंड इज कैन नॉट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन अ स्ट्रिंग, देन आउटपुट्स हैं हेलो टू और हेलो टू हेलो टू. ओके सो फर्स्ट वन विल बी लाइक कि आउटपुट क्या होगा. ओके सो लाइक सेकंड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसने क्या किया है, प्लस वन लिखा है. मेरा जो वन है वो आपके सिंगल कोट्स में लिख दिया है. सो मेरा ये भी क्या बनेगा, मेरा एक स्ट्रिंग बन जाएगा और वो मेरा सिंपली कंकैटिनेट हो जाएगा. प्लस मेरा कंकैटिनेट के लिए होता है एंड इनटू मेरा रेप्लिकेशन के नंबर ऑफ टाइम, कितनी नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा. सो सिंस ए में मेरा हेलो गया है, ओके फ्लो विल बी लाइक दिस. आपके आगे वाले क्वेश्चन के लिए है, फ्लो विल बी लाइक दिस. यहाँ पे था मेरा कर्सर, सो वो यहाँ पे मेरे मेन प्रोग्राम पे आएगा. देन वो हेलो के साथ ए पे जाएगा, ए के अंदर मेरा हेलो स्टोर होगा. देन वो कंकैटिनेट होके हेलो वन बनेगा. देन वो रेप्लिकेशन में हेलो वन कुछ इस तरीके से होगा. ओके सो नाउ व्हाट, हेलो टू भी नहीं हो सकता, हेलो टू भी नहीं हो सकता, राइट. सो आउटपुट विल बी एन इंडेंटेशन एरर. ओके हाउ, सिंपली ऑब्जर्व कि मेरा ये ए यहाँ पे है, ओके एंड मेरा सेकंड ए उसके नीचे. ओके मीन्स नहीं आ रहा मुझे, यहाँ पे मेरा एक एक्स्ट्रा स्पेस है. सी मैं अगर स्पेस को डिलीट कर रही हूँ तब मेरा ए के नीचे आ रहा है. आप जानते हैं पाइथन में हम एक भी एक्स्ट्रा स्पेस देंगे तो वो मुझे क्या देगा, इंडेंटेशन एरर. ओके क्लास, सो आपके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट इंडेंटेशन एरर, एनी एक्स्ट्रा स्पेस इज नॉट अलाउड इन पाइथन. ओके केस बहुत सेंसिटिव है यहाँ पे. नाउ लेट्स मूव टू आर सेकंड क्वेश्चन, देर आर ओनली 10 क्वेश्चंस. ओके सेकंड इज आल्सो एन एमसीक्यू. सो व्हाट विल द रिजल्ट ऑफ दिस कोड, हमें अगेन एक कोड मिला जिसका मुझे आउटपुट देना है. सो मेरे पास क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है एक मेरे पास प्रिंट डबल का, प्रिंट अंडरस्कोर डबल नेम से, जिसके अंदर मैंने एक पैरामीटर पास किया है एक्स का. ओके सो मेरा कर्सर यहाँ था, प्रिंट डबल पे गया जहाँ मैंने मेरे मेन प्रोग्राम में इसको कॉल किया है. यहाँ पे टैब है, ओके सो वो यहाँ पे आया है. देन मेरा कर्सर ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा एक्स में, तो मेरी थ्री एक्स के अंदर चला जाएगा. देन डबल स्टार इन पाइथन मीन्स पावर. ओके सो टू रेज टू पावर थ्री, सो आंसर विल बी 8. ओके टू रेज टू पावर 3, तो क्वेश्चन विल बी सिंपल. सो इसका आंसर 8 है. ये एमसीक्यू सभी स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे से किए थे. नाउ नेक्स्ट इज इफ रिटर्न स्टेटमेंट इज नॉट यूज्ड, अगर हमारे फंक्शन में लाइक अब मेरा ये क्या करा है मैं आपको समझाती हूँ. व्हाट इज रिटर्न स्टेटमेंट, अब यहाँ पे क्या हुआ मेरा यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, जब मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न कर रहा है मुझे. नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, राइट, प्रिंट स्टेटमेंट है डायरेक्ट. ओके इट मीन्स मेरा फंक्शन मेरे मेन फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है. ओके प्रिंट डबल मेरा मेन प्रोग्राम है, मेरा मेन प्रोग्राम है जो मेरा फंक्शन है प्रिंट डबल, वो मेरे यहाँ पे मेरे मेन प्रोग्राम में, सपोज मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देती हूँ. ओके से मैंने लिख दिया ए इक्वल्स टू थ्री लाइक दिस, जस अवॉइड द एक्स्ट्रा स्पेसिस एंड ऑल. ओके लाइक मैंने ऐसे लिखा, सो मेरा ए से मेन प्रोग्राम स्टार्ट हो गया ना है. मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया,
मैंने यहाँ पे पास कर दिया, ए पास कर दिया, लो ठीक है मैंने इससे कर दिया, मेरा ए मेन प्रोग्राम हो गया। सो जो मेरा मेन प्रोग्राम है ओके क्लास, वो मेरे मेन प्रोग्राम को तो कुछ रिटर्न ही नहीं किया मेरे ट्रिम डबल फंक्शन ने, राइट। सो यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, मतलब मेरा फंक्शन मुझे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, वो सिर्फ अपना टास्क परफॉर्म कर रहा। उसके टास्क में प्रिंट स्टेटमेंट दिया इसलिए उसने प्रिंट कराया। अगर मैं सिंपली लिख देती ना एक्स इक्वल्स टू 2 raised to power x, तो वह x के अंदर तभी भी 8 स्टोर कर लेता, बट वो मेरे फंक्शन को कुछ रिटर्न नहीं करता। अगर मैं अपने दोबारा मेन प्रोग्राम में जाऊँ ना, मुझे कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। मीन्स विदाउट एनी रिटर्न स्टेटमेंट हमें कुछ भी रिटर्न नहीं होने वाला है। लाइक मैंने आपको एक फंक्शन वीडियो में करके दिखाया था कि मेरे एस के अंदर एक नन वैल्यू जा रहा था, राइट, क्योंकि वहाँ पे कुछ रिटर्न स्टेटमेंट ही नहीं यूज़ किया था। तो मेरे एस के अंदर क्या था, नन स्टोर हुआ था। प्रिंट स्टेटमेंट में मेरे एस के अंदर नन था, ओके। अगर आपको नहीं पता, आपने आपको याद नहीं है, सो गो बैक एंड चेक ऑल द वीडियोज ऑफ फंक्शन इंट्रोडक्शन, देन आप उसमें देखोगे कि मेरे एस के अंदर नन वैल्यू गई थी जस्ट बिकॉज मैंने रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया था, ओके क्लास। सो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन थर्ड का आंसर ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे विल बी सेकंड नन ऑब्जेक्ट। हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं कर रहे तो मुझे नन ऑब्जेक्ट मिलेगा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर योर लिटिल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंक्शंस, ओके, सो दैट आपको थोड़ा फंक्शन और क्लियर हो जाए। फाइंड द एरर इन द फॉलोइंग फंक्शन डेफिनेशंस, ओके। सो ये मेरी फंक्शन की चार फंक्शन डेफिनेशंस दी हुई हैं, सो मुझे इनमें एरर्स बताने हैं, ओके ओके। सो मुझे इन कुछ चार फंक्शन डेफिनेशंस है मेरी डिफाइन गए हुए फंक्शन हैं, तो मुझे एरर्स फाइंड आउट करने हैं कि कुछ एरर है भी या नहीं है, ओके। सो लेट्स चेक। सो जो मेरा फर्स्ट है उधर मुझे लिखा गया है, ओके वेट, मैं मैंने थोड़ा रेजोल्यूशन हाई कर दिया है, साइज इंक्रीज किया है। सो ये इज माई फर्स्ट फंक्शन वेयर इज डेफ मेन, मीन्स मेरे फंक्शन का नेम है मेन, ओके, एंड उसमें एक प्रिंट स्टेटमेंट है हेलो, ओके। नाउ व्हाट इज एरर हियर, ओके, सो माई एरर इज हियर, यहाँ पे कॉलन नहीं है, ओके। जो मेरे मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के लिए जो हम यूज़ करते हैं लाइक लूपिंग इफ स्टेटमेंट, वहाँ पे हमेशा कॉलन से ऐड होता है, तभी मेरा ये ऑटोमेटिक स्पेस जो है यहाँ पे प्रिंट से पहले वो इंसर्ट होगा। सो यहाँ पे क्या आएगा, कॉलन, ओके। लाइक दिस मैंने रेड कलर से करने का कोशिश किया है सो दैट आप इसको इजीली देख सको, ओके। आई जस्ट यूज लाइक एरियल ब्लैक हियर, नाउ माइट बी इट इज विजिबल टू यू। यहाँ पे आपका क्या होगा, कॉलन इंसर्ट होगा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट, ओके। सो मेरा नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है, यहाँ पे फंक्शन टू के नेम से है एंड यहाँ पे कॉलम ऑलरेडी लगा हुआ है, सो यहाँ पे ये एरर तो है नहीं मेरा ऑटोमेटिक। नाउ प्रिंट स्टेटमेंट 2 + 3, या इट्स कम्प्लीटली फाइन। अगर मैं अपना लाइक फंक्शन टू कॉल करती हूँ, वो कर्सर मेरा फंक्शन टू पे जाएगा और मुझे 2 + 3 मीन्स मेरा 5 मुझे रिटर्न कर देगा, राइट राइट, इट विल सिंपली रिटर्न मी वैल्यू 5, ओके। ये मुझे क्या करेगा, मेरा 5 वैल्यू रिटर्न करेगा, ये प्रोग्राम सक्सेसफुली चलेगा। सो हम भी कर सकते हैं कि मैं अपना पाइथन ऑन करूँगी और मैं अपने सिंपल इसमें इंटरेक्टिव मोड में भी रन करके देख सकती हूँ। लाइक मैंने क्या किया, मेरा फर्स्ट क्या था, मेन फंक्शन था, मैंने मेन क्रिएट किया, राइट, एंड ये सिंपली रन ही नहीं होगा। मैंने यहाँ पे मेरे कॉलन्स नहीं थे, एंटर करते यहाँ पे सिंटेक्स एरर शो करेगा, ओके। नाउ माय सेकंड वन इज लाइक डेफ फंक्शन टू कॉलन एंटर, देन आई एम जस्ट गिविंग माय प्रिंट स्टेटमेंट व्हिच इज 2 + 3, और यू कैन ट्राई एनी न्यूमेरिक नंबर हियर, ओके, देन एंटर, देन आई एम जस्ट कॉलिंग माय फंक्शन टू एंड इट जस्ट एंटर 5, ओके। सी फॉर केस 1 इट्स माय सिंटेक्स एरर, कॉलन्स आएंगे ऑब्वियसली, एंड इन सेकंड माय आउटपुट इज 5, ओके। मीन्स मेरा जो सेकंड फंक्शन डेफिनेशन है वो एकदम परफेक्टली करेक्ट है, उसमें कोई भी किसी भी टाइप का एरर नहीं है, ओके।
So just scroll it down. Now, my third is of compute. यहाँ पे क्या है compute. Okay. So मेरा compute function है वो मुझे print x into x कर रहा है. But wait. एक mathematical expression है x into x मतलब x के अंदर obviously कुछ value होगी और हम यहाँ पे like function will be quite fine अगर मेरा value कुछ इस तरीके से होता like मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर x equals to any value like 6 so मेरा ये program बिल्कुल perfect था कोई error नहीं था but since यहाँ पे direct print statement use हुई है means यहाँ पे मेरा एक parameter pass होगा okay so let's do this and see what happens to next so I'm just writing def compute brackets and my colon okay then enter then I'm simply typing print x into x okay and then enter back enter and now I'm calling my function compute okay like this okay obviously mathematics ke liye to kuch value denge like maine 2 value di so let's run it enter you can see here is an error okay humne hamara last video jo function ka tha usme padha tha types of argument so here is takes zero positional arguments but one was given x वो गिव दिया हुआ है सो बट पास तो नहीं हो रहा ना राइट एंड व्हाट इफ अगर मैं कंप्यूट करूँगी सिंपल विदाउट नो वैल्यू सो व्हाट यहाँ पे क्या होगा एक्स ये कोई क्या करेगा एक्स कुछ कर ही नहीं रहा ना नेम एक्स इज नॉट डिफाइंड आपको सिंपली दे क्योंकि एक्स में कुछ बेचारा वैल्यू ही नहीं जा रहा ना हर तरीके से क्या है इसके अंदर एरर ही है ओके अगर हम कुछ वैल्यू पास नहीं करेंगे तो x मेरा नॉट डिफाइंड x के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है तो इस वजह से एंड अगर मैं x में कुछ वैल्यू डालती हूँ तो मेरा फंक्शन के अंदर मेरा वैल्यू नहीं गया हुआ है सो इट सिंपली फर्स्ट व्हाट विल वी डू वी विल सी अगर मेरा कुछ कैलकुलेशन हो रहा है सो ऑब्वियसली मेरा जो मेन प्रोग्राम है वहाँ पे कोई वैल्यू पास होगा सो माई एरर इज सिंपली यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं है सो मेरा यहाँ पे आएगा x यहाँ पे मेरा एक आर्ग्यूमेंट पास होगा एक्स ओके सी रेड एक एरर है कि मेरा एक पोजिशनल आर्ग्यूमेंट पास नहीं है जबकि मैंने यहाँ पे एक दिया हुआ है जो भी है हम वैल्यू देंगे राइट सो यहाँ पे एक एक्स आएगा दिस इज योर एरर ओके नाउ इन नेक्स्ट स्क्वायर ए ये तो मुझे हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक एरर तो क्या है कि भाई हमारे क्या है कॉलन्स नहीं लगे हुए राइट मेरे कॉलन्स नहीं है जो मैं यहाँ इंसर्ट कर देती हूँ एंड सेकंड मेन जब हमने स्टार्ट किया था ये हमारा स्ट्रक्चर था कि डी ई एफ ये डिफाइन करता है कि मैं फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ सो डेफ ओके बॉल्डर लाइक सिंपली डेफ ओके ये मेरे एरर्स हैं मेरा सेकंड था वो बिल्कुल एरर फ्री था फर्स्ट में कॉलन था सेकंड में मेरा पैरामीटर पास नहीं था एंड थर्ड में मेरा डेफ एंड ये नहीं लिखा था रिटर्न स्टेटमेंट इज कम्प्लीटली फाइन आप ब्रैकेट यूज करो या ना करो इट्स रियली डजंट मैटर ओके क्लास सो नाउ नेक्स्ट मूव टू आवर फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन सो आंसर इज सिंपल मैं अभी भी कर रही हूँ लिसन इट केयरफुली देन यू विल राइट योर आंसर आई एम नॉट गोना राइट इट ऑन योर स्क्रीन ओके देन आप अच्छे से सुनते नहीं हैं कि क्या बोल रही हूँ मैं सो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मीन्स कि आपका स्टेटमेंट किस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है आप खुद से लिखेंगे मैं सिर्फ आपका आंसर समझाने वाली हूँ कि आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है लाइक मैंने आपको स्टार्टिंग में भी समझाया था लाइक मेरा कुछ मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है अगर से यहाँ पे अगर हम जा रहे हैं ओके लाइक मेरा ये मेन प्रोग्राम लिखा हुआ है सो सिंपली एग्जीक्यूशन कि मेरा प्रोग्राम है मेरा ये जो कंप्लीट प्रोग्राम है इसमें एक्चुअल मेरा एग्जीक्यूशन किस तरीके से हो रहा है ओके यही मेरा क्या है फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन कि मेरा एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है मेरा वैल्यू ओके
दिस इज माई फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम मेन सेक्शन मीन्स मेन प्रोग्राम से मेन सेक्शन से लेके टू द स्टेटमेंट्स इन साइड द फंक्शन जो मेरी स्टेटमेंट्स फंक्शन के अंदर हैं वो एग्जीक्यूट हो रही है वहाँ तक फ्रॉम द मेन फंक्शन और यू कैन से योर मेन प्रोग्राम टू द स्टेटमेंट्स इन साइड योर फंक्शन कि आपके मेन प्रोग्राम से लेके आपके फंक्शन तक का जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से हो रहा है दैट इज कॉल्ड योर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ट्रेस द whether where is it see trace the following chord predict output product means आपका यहाँ पे आपका flow किस तरीके से जाएगा okay is the question so हम ये भी करेंगे okay यहाँ पे आपको clear हो जाएगा अगर यहाँ नहीं हो रहा है तो so I am repeating it कि आपका क्या होता है execution कि आपका function execute किस तरह आपका program sorry किस तरीके से execute हो रहा है main section से लेके function तक function के statements तक okay so What will be next question? What will be the following function return? Means ये वही question है मेरा function क्या return करेगा? Obviously there is no print statement in my program. मेरे program में कोई print statement नहीं है. Okay? So it will return none object. It will return none nothing. Nothing will be returned here. Okay? So my next question is, what will be the significance of having functions in a program means अगर मेरे प्रोग्राम में फंक्शन हैं तो उसका सिग्निफिकेंस क्या होगा सो देर आर थ्री मेन सिग्निफिकेंस मीन्स थ्री मेन एडवांटेजेस ऑफ हैविंग फंक्शंस इन योर प्रोग्राम द फर्स्ट वन इज द प्रोग्राम इज ईजी टू अंडरस्टैंड ऑब्वियसली इट बिकम्स क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि हम एक फंक्शन को प्रॉपर नेम दे देते हैं लाइक मुझे सम करना है तो मैंने सम नेम दिया मुझे मल्टीप्लीकेशन करने पर मल्टीप्लीकेशन दे दूँगी सो मेरे लिए ईजी हो जाएगा कि यहाँ पे मेरा मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो रहा है यहाँ मेरा सम परफॉर्म हो रहा है ना हम अलग अलग ब्लॉक्स बना दिए हैं मेरे क्या कहते हैं फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ओके सो इट क्वाइट ईजी टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है एक्चुअल प्रोग्राम में ओके नाउ सेकेंड वन इज रिडंडेंट कोड इट वन प्लेस सो मेकिंग चेंजेस इज ईजियर वट डज इट मीन मीन्स सिंपली मीन्स आप इसको सिंपल लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं लाइक जो मेरा मेन मोटिव था फंक्शंस यूज करने का लाइक मेरे पास एक लेंथी प्रोग्राम है जिसमें मेरा एक 4 to 5 लाइन का कोड अगेन एंड अगेन यूज हो रहा है वाई आई विल वेस्ट माई मेमोरी माई कोड ऑफ लाइन में इंक्रीज क्यों करूँगी वाई अगर मेरे पास एक फैसिलिटी है फंक्शंस की जिसको मैं रीयूज कर सकती हूँ विदाउट writing the code again and again and again wasting my time wasting my memory okay instead of writing the code again when we need to use it more than once right agar mujhe usko ek se zyada bar use karna hai to main kyun likhu usko I'll just simply gonna use functions okay main function ko use karungi main function create karungi sirf ek hi bar apna code likhungi and wo again bar bar use hota rahega main jitne 100 times us function ka code karungi wo 100 times reuse hoga 100 टाइम्स वो एक ही बार लिखी हुई 4 to 5 कोड ऑफ लाइन वो मेरी स्टेटमेंट्स रीयूज होती रहेंगी दैट इज माई नेक्स्ट एडवांटेज थर्ड एडवांटेज रीयूजिबिलिटी आप उस जब अपने एक मॉड्यूल एक छोटा सा 4 to 5 लाइन का कोड बनाया उसको आप जब चाहें कहीं पे भी यूज कर सकते हैं आप इवन दूसरे प्रोग्राम में भी यूज कर सकते हैं सिंपली अपने फंक्शन को अपने प्रोग्राम को अपने फंक्शन को इम्पोर्ट करके वहाँ पे ओके वो भी हम सीखेंगे ओके बट आई होप सो इट्स क्लियर फंक्शन अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाती है मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ता मैं इसको कितनी भी बार चाहूँ कैसे भी चाहूँ यूज कर सकती हूँ ओके सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन जो मुझे मेरा पाथ ट्रेस करना है आई विल टेल यू द सीक्वेंस ओके एंड अ डेमो जिसमें आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे ओके सिंपली लाइक ऑब्वियसली मेरा जो प्रोग्राम होगा वो स्टार्ट तो होगा वन से ही राइट वन से ही स्टार्ट होगा सो आप आंसर किस तरीके से लिखेंगे लाइक वन हाइफन देन ये सिंपल एरो की तरीके से सेंड माय नेक्स्ट मेरा क्या होगा नेक्स्ट फ्लो विल बी लाइक मेरा कहाँ जाएगा ये मेरा एक फंक्शन था देन मेरा कर्सर कहाँ जाएगा मेरे सेकेंड फंक्शन पे 5 पे राइट देन मेरा फ्लो कहाँ जाएगा मेरे मेन प्रोग्राम पे मीन्स मेरे
कहाँ पे जाएगा, मेरे मेन प्रोग्राम पे जो कि क्या है 9 से स्टार्ट होता है. लाइन मेरी क्या है 9, सो हियर इज 9. ओके, यहाँ पे जैसे मेरा 9 हुआ तो अब मेरा मेन प्रोग्राम होगा. लाइक मेरा फर्स्ट, आपका क्या होता है स्टार्टिंग आपकी हमेशा फंक्शन से होती है. लाइक मेरा फर्स्ट फंक्शन था, यहाँ पे आया, देन मेरा कर्सर मेरे सेकेंड फंक्शन पे गया, राइट, देन मेरा कर्सर मेरे मेन प्रोग्राम पे गया. अगर मेरा थर्ड होगा तो वो थर्ड फंक्शन की डेफिनेशन पे जाएगा. ओके, यहाँ पे कोई था, मेरा मेन प्रोग्राम स्टार्ट था तो मेरा कर्सर 9 पे स्टॉप हो गया. सो नाउ आप आगे खुद लिखते रहेंगे. नाउ इट विल टर्न टू 10. ओके, मेरा कर्सर कहाँ जाएगा, 10 पे जाएगा. रिजल्ट जहाँ पे मेरा कैलकुलेट स्क्वेयर कॉल हो रहा है, ओके, यहाँ पे, देन मेरा कर्सर 10 से कहाँ शिफ्ट होगा, 5 पे शिफ्ट होगा. ओके, 5 के बाद एक्स में वैल्यू जाएगी एन की 5, देन मेरा 6 पे आएगा ए के अंदर, जहाँ पे मेरा पावर मींस मेरा फर्स्ट फंक्शन कॉल हो रहा है. ओके, देन मेरा कर्सर 6 से सीधा मूव होगा मेरे लाइन 1 पे. ओके, जहाँ पे मेरी वैल्यूज जाएंगी बी की और पी की, मींस जो एक्स में स्टोर्ड है एंड 2 जो उसने अपनी तरफ से दी है. ओके, मींस 5 की पावर 2. ओके, वो यहाँ पे वैल्यू को कंप्यूट करेगा और रिटर्न वाई करेगा. ओके, देन वाई रिटर्न करने के बाद वो मेरा कर्सर कहाँ मूव होगा, दोबारा 6 पे आएगा. ओके, आई एम अगेन रिपीटिंग, इट्स आफ्टर 9, 1, 5, 9, 5, 6, 1, 2, 3, 6, देन वो 7 पे रिटर्न वैल्यू करेगा, देन 10 आके मुझे हाँ देगा, देन वो पावर से दोबारा 1 पे जाएगा, 3, 3 बी पी में देगा, वाई इक्वल्स टू बी की पावर पी, सो मीन्स 3 रेज टू पावर 3, देन वो रिटर्न वाई करेगा, देन अगेन इट विल कम बैक टू द 10, एंड 10 आफ्टर दैट इट विल प्रिंट माई वैल्यू रिजल्ट, मीन्स 5 की पावर 2, 3 की पावर 3, दोनों को ऐड करके वो मुझे प्रिंट पे रिजल्ट दे देगा. ओके, आई गेटिंग इट? सो जस्ट इस लाइक आप लगाओ बी अ गुड लिसनर. मैंने बोला है, मैं रिपीट कर रही हूँ, हाउ विल बी द कोड एग्जीक्यूटेड. ओके, सो इट्स 1, 5, 9, 10, 5, 6, 1, 2, 3, 6, 7, 10, 1, 2, 3, 10, 11. ओके, दैट विल बी योर फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन. जो बैक एंड में आपका एग्जीक्यूशन चलता है उसका फ्लो क्या है, वो ये है. ओके क्लास, सो लेट्स मूव टू आवर सेकंड लास्ट क्वेश्चन विच इज 9 क्वेश्चन. राइट अ फंक्शन. ओके, नाउ हमको एक फंक्शन लिखना है. राइट अ फंक्शन दैट टेक्स 2 नंबर्स. जो क्या कर रहा है, 2 नंबर्स ले रहा है. ओके, दैट टेक्स 2 नंबर्स एंड रिटर्न्स द नंबर दैट हैज़ मैक्सिमम 1 डिजिट. मींस लाइक मैंने एग्जांपल दिया है 492 है, उसका मैक्सिमम डिजिट यहाँ पे 2 है. ओके, देन 6 है, सो 1's प्लेस पे 6 इज ग्रेटर देन 2. सो हमें ऐसे 2 नंबर्स लेने हैं और उनमें से जो 1's प्लेस पे है उसको रिटर्न कराना है. मींस ऑब्वियसली कंपेयर करेंगे हम, इफ स्टेटमेंट लगेगा. सो लेट्स राइट द कोड. हम कोड लिखेंगे कि मेरा कोड क्या होगा एंड हम प्रोग्राम को रन करेंगे. ओके, सो मुझे फंक्शन लिखना है कि फंक्शन में किस तरीके, हमने काम पहले भी क्या होगा, जब मुझे वंस प्लेस पे मेरी वैल्यू निकालनी है तो मैं किस तरीके से निकालूंगी. ओके, सो सिंपली क्या होता है, मैं उसको 10 से डिवाइड करके जिसका रिमाइंडर होता है दैट विल बी माई वंस प्लेस, राइट. ओके, मेरा वंस प्लेस निकलता है. मैंने आपको क्या बताया है, आपको मेन आपकी कैलकुलेशन पोर्शन मीन्स जो प्रोसेसिंग है वो बता दी है, जो मेन आपका लॉजिक है मैंने आपको वो एक्सप्लेन किया है. ओके, सो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, सिंपली लाइक मैं डेफ, सपोज मैं लेंथ ही कुछ नहीं, ए मेरे फंक्शन का नेम है. ओके, एंड सपोज मैं, क्योंकि मुझे 2 वो क्या ले रहा है, वैल्यूज ले रहा है, सो मैं सिंपली से ए बी ही दे दूंगी. ओके ओके, सो देन माई कॉलम्स एंटर, देन मैं क्या करूँगी यहाँ पे सिंपली दे दूँगी कोई भी वैल्यूज, कुछ भी से मैं स्टोर कर रही हूँ ए के अंदर, नो सॉरी एक्स के अंदर मैं क्या स्टोर कर रही हूँ, माय ए. हम अगर मुझे रिमाइंडर वैल्यू निकालनी है क्लास, तो मैं क्या यूज़ करती हूँ, माय मॉड्यूलस ऑपरेटर 10 एंटर से वाई इक्वल्स टू बी मॉड्यूलस
10. ओके सो जो मेरा फर्स्ट डिजिट होगा उसका वंस प्लेस एक्स में जाएगा, जो बी होगा उसका वंस प्लेस मेरा वाई में चला जाएगा. ओके देन मैं कंपेयर करूँगी ऑब्वियसली. सो आई विल कंपेयर इफ मुझे क्या करना है कि वंस प्लेस की वैल्यू को कंपेयर करना है जो एक्स और वाई में है. इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई कॉलन ओके सो वो क्या करेगा, मुझे वैल्यू को रिटर्न कराना है. क्वेश्चन ध्यान से पढ़े, क्वेश्चन क्या है कि रिटर्न द नंबर, मुझे नंबर रिटर्न कराना है. सो रिटर्न एक्स ओके वेट एंड रिटर्न एक्स एल्स एल्स क्या होगा रिटर्न वाई. ओके ऑब्वियसली एल्स विल बी रिटर्न वाई. सो उसके बाद मैं क्या करूँ, मेरे प्रोग्राम को कॉल करूँगी. सो हम अपने प्रोग्राम को कॉल करते हैं. ए मैं दो वैल्यू दूंगी, मैं वही दे देते हैं 492.236. ओके ओके सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए कर दिया मैंने ए में, अब मेरी वैल्यू रिटर्न आ रही है. ओके सो मैं उसको क्या करूँगी, एस के अंदर स्टोर कर लूँगी जो भी मेरी वैल्यू आ रही है. ऑब्वियसली रिटर्न वैल्यू मुझे उसको कहीं तो स्टोर करना पड़ेगा भैया. सो मैं उसको क्या करूँगी, प्रिंट एस कर दूँगी. जो भी मेरी वैल्यू आ रही है वो मेरा क्या हो जाए, प्रिंट हो जाए कि मेरी क्या वैल्यू ग्रेटर है, जिससे मुझे पता चल जाएगा मेरा 492 आएगा या 236 आएगा. सो आई एम जस्ट सेविंग इट, आई जस्ट रन इट. ओके सो लेट्स फंक्शन ऑफ 5. सी माई वैल्यू इज 6 हियर. ओके यू कैन सी माई आउटपुट इज 6. सो यू कैन सी द माई कोड इट्स 492.236 मैंने वैल्यू दी थी. इट्स योर कोड क्लास. ओके मीन्स मैंने ये फंक्शन क्या, देखिए अभी ना मेरा प्रोग्राम था, मैंने मेरे प्रोग्राम में वैल्यूज दी, वो मेरे पैरामीटर्स ऊपर जाके पास हुए. ओके अब अगर मैं इस फंक्शन को और वैल्यूज के लिए कॉल करना चाहती हूँ, मैं इसको कॉल कर सकती हूँ कितनी भी टाइप. आगे प्रोग्राम्स करूँ मुझे दोबारा कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो जितनी बार यूज़ करो, यूज़ करो, इट्स योर चॉइस. ओके सो ये मेरा प्रोग्राम था फॉर माई 9th कि जब मुझे वंस डिजिट पे जो ग्रेटर नंबर है उसको क्या कराना हो, रिटर्न कराना हो. ओके सो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट अ फंक्शन दैट टेक्स अ नंबर एन. एक एन नंबर ले रहा है. ओके उस पर दो नंबर ले रहे थे, इसमें एक नंबर ले रहा है. एंड देन रिटर्न्स अ रैंडमली जनरेटेड नंबर हैविंग एग्जैक्टली एन डिजिट्स. मीन्स अगर मैं एन में 3 डिजिट्स दे रही हूँ तो वो 3 ले, अगर मैं 2 दे रही हूँ तो वो 2 ले, इस तरीके से. ओके सो तो ये तो सोचना पड़ेगा ज़्यादा ही कि अगर वो ऑब्वियसली इसको ऑब्जर्व करे, काउंट करे, देन बताए. ओके सो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है और एक कंडीशन मेंशन है कि 0 से स्टार्ट नहीं होना चाहिए नंबर. ओके फॉर एन एग्जांपल इफ माय नंबर इज स्टार्टेड विद 2 मींस माय वैल्यू एन इज 2 सो मीन्स माई डिजिट लेंथ इज 2. सो जो रैंडमली चूज नंबर होगा वो बिटवीन 10 to 20 99 होना चाहिए, 2 डिजिट्स, नॉट लाइक 07 01 02. 0 से नहीं स्टार्ट होगा वो, प्रॉपरली 2 डिजिट नंबर होना चाहिए. ओके सो क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोग्राम. सो अभी हमने ऊपर देखो फंक्शन रिवाइज किया है, सारी चीज़ें की हैं. सो फॉर नाउ टुडे इट्स योर होमवर्क क्लास टू राइट दिस कोड, राइट कोड फॉर दिस प्रोग्राम. ओके आपको इस प्रोग्राम के लिए कोड राइट करना है. गलत करो, ठीक करो, बट टू राइट अ कोड अकॉर्डिंग टू इट. ओके आपको इसके हिसाब से एक कोड राइट करना पड़ेगा और वो आप मुझे सेंड करेंगे. ओके क्लास सो आप अच्छे से समझिए, अगर आपको कोई डाउट्स हैं यू कैन टेल मी. ओके थैंक यू. स्टे सेफ, स्टे एट होम.